मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करने का। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे देश में कई ऐसे हीरोज हैं, मुझे लगता है मुझे उन्हें सुपर हीरोज कहना चाहिए, जिनकी कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम तो लिखवा लिया, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुमनाम भी रह गए। कई ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी नहीं जानते हैं। अब हाल ही में फिल्म आई थी चमकीला, चमकीला में हमें अमर सिंह चमकीला की कहानी के बारे में पता चला। हालांकि बहुत लोग जानते भी थे, मगर कई लोग ऐसे भी थे जो ये नहीं जानते थे कि 1980 के दशक में चमकीला पंजाब के वो सुपरस्टार थे जो हर गली मोहल्ले में जिनका जिक्र होता था। बड़ी अलग शख्सियत थे वो। अब ऐसे ही कई सारे हीरोज़ हैं, कई सारे ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जिनकी कहानी से हम शायद रूबरू नहीं हैं। जब तक रियल लाइफ हीरो उन्हें बड़े पर्दे पर नहीं उतारते हैं, तब तक हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। अब कबीर खान ने अनाउंसमेंट की फिल्म चंदू चैंपियन की। फिल्म का पोस्टर सामने आया और कार्तिक आर्यन का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हम सब हैरान रह गए। हमारी नजर पड़ी मुरलीकांत पेचकर की उस इंस्पायरिंग कहानी पर। मुरलीकांत पेचकर वो पहले पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। 1965 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जिस तरह से उनको 9 गोलियां लगी, उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए, वो कोमा में भी चले गए थे, कहते हैं उनको याददाश्त भी उनकी चली गई थी, मतलब चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल था, बहुत कुछ ऐसा हुआ। उसके बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद, उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए शायद अगर मैं शब्दों में कहूँ कहना ही मुश्किल है। वॉट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। फिल्म चंदू चैंपियन का हाल ही में ग्रैंडेस्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ ग्वालियर में। कार्तिक आर्यन ने अपने शहर में ही इसका ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च किया। ट्रेलर में भी बहुत ही अमेजिंग कहानी हमें लगती है, बहुत इंस्पायर करती है, और कार्तिक आर्यन को देखकर तो मतलब लग ही नहीं रहा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिल्म तो रिलीज़ हो रही है, मगर उससे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं मुरलीकांत पेचकर की रियल स्टोरी, यानी कि चंदू चैंपियन जिस रियल लाइफ शख्सियत पर बेस्ड है उसके बारे में आपको बताते हैं। मुरलीकांत पेचकर की कहानी जानने के लिए हमें 1944 में जाना पड़ेगा, जब 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली के एक जिले में चंदू चैंपियन यानी कि मुरलीकांत पेचकर का जन्म हुआ। कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही पता चल जाते हैं। बचपन से ही मुरलीकांत पेचकर को जो है कुश्ती का बड़ा शौक। बचपन से ही मुरलीकांत पेचकर का स्पोर्ट्स में बहुत रुझान था, मतलब उनको स्पोर्ट्स खेलना उनका ध्यान जो था ना उसी वक्त था। जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने अपने गांव के प्रधान के ही बेटे को कुश्ती में हरा दिया। मतलब लोग भी ना यकीन नहीं कर पा रहे थे कि भैया ये करेगा, मतलब उनका नाम चंदू रख दिया गया, फिर बाद में वो चंदू चैंपियन बने। माँ बाप भी चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो खेल कूद में कम ध्यान लगाए, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाए। ऐसे में क्या होता है कि जब उन्होंने प्रधान के बेटे को हरा दिया तो उनको लगा अरे वाह मैंने बड़ा काम किया, मगर उनको नहीं पता था कि प्रधान जी और या फिर उनके जो बेटे इस बात को अपनी ईगो में ले जाएंगे। भैया प्रधान जी का बेटा बड़े ऐशो आराम फलने वाला। अब प्रधान जी को भी लगा कि भैया ये इसने मेरे बेटे को हरा दिया, तो भैया उनके परिवार को परेशान करने लगे, उनको धमकियाँ देने लगे। ऐसे में क्या होता है कि जब ये कुश्ती होती है तो उनको 12 रुपये मिलते हैं एज ए रिवॉर्ड, और मुरलीकांत पेचकर वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब कहीं दूर छुप जाते हैं। अब जब वापस लौटते हैं तो ज़िंदगी वही चल रही होती है, पढ़ाई लिखाई तो करनी थी। ऐसे में वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। बड़े होने पर मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, मगर अपना पैशन उन्होंने नहीं छोड़ा, उनका रुझान स्पोर्ट्स में रहा। यहाँ पर आकर उन्होंने बॉक्सिंग भी करी, और आपको बता दें कि 1964 में टोक्यो में हुए इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने एक अवार्ड भी अपने नाम किया। लेकिन मुरलीकांत को नहीं पता था कि आगे उनके लिए तूफान खड़ा है। 1965 में मुरलीकांत की पोस्टिंग सियालकोट में थी। सितंबर का महीना था, भारत पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो गई। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों से लड़ते हुए उन्हें 9 गोलियां लगी। इतना ही नहीं, एक गोली तो उनकी रीढ़ में धस गई थी, उनके सर पर भी गोली लगी, और इसका ये आलम रहा कि उनके कमर से निचले हिस्से में लकवा मार गया था।
अगर रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त इस हादसे में उनकी याददाश्त भी चली गई थी। डॉक्टर्स ने उनको ठीक करने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं हो पाए। मुरलीकांत की तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो बिस्तर पर ही थे। वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। ऐसे में डॉक्टर्स ने कहा कि वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते, मगर मुरलीकांत ने ठान लिया कि वो अपने आप को एकदम ठीक करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। और यहाँ पर भी उन्होंने स्पोर्ट्स का सहारा लिया। कई महीनों तक उनका इलाज चला और उन्होंने अपने कोच की मदद से स्विमिंग करना शुरू किया। उन्होंने पैरा फ्री स्विमिंग की कैटेगरी में पैरालंपिक की तैयारी भी शुरू कर दी और ऐसे करते करते उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। 1962 में उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में हिस्सा लिया और इसमें वो जीत भी गए। मात्र 37 सेकंड में उन्होंने वो पार किया। इसी के साथ वो भारत के पहले पैरालंपिक तैराक बन गए और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सोचिए क्या जज्बा था उनका। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने पूरे भारत को प्राउड फील कराया। पहला पैरालंपिक खिलाड़ी वो बने जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया। हालांकि मुरलीकांत पेटकर बहुत ज्यादा स्वाभिमानी भी थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पर रहम करे किसी भी तरह की। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे और किसी की मदद ऐसे नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है तो मुझे काम दीजिए, मुझ पर तरस मत खाइए। अब ये जो मैं किस्सा को बता रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। टाटा ग्रुप ने 1965 की जंग में घायल हुए फौजियों की मदद करने का फैसला किया, मगर मुरलीकांत ने ये हेल्प लेने से एकदम मना कर दिया। उनका मानना था कि भाई उन पर दया मत कीजिए, वो विकलांग भले हैं लेकिन वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, आप उन पर किसी भी तरह का कोई एहसान ना करें। उन्होंने कहा कि भाई मदद करनी है तो मुझे काम दे दो। उनका ये जवाब सुनकर कंपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उन्हें टेल्को में नौकरी का ऑफर दे दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर मुरलीकांत ने 30 साल तक काम किया। फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी मुरलीकांत ने भारत में तो नाम कमाया लेकिन विश्व में भी भारत का नाम रोशन किया। मगर ऐसा कहते हैं कि उन्हें उस वक्त वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। 1982 में उन्होंने तत्कालीन सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाए, उसके वो हकदार हैं। हालांकि सरकार ने उनकी ये गुजारिश खारिज कर दी। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका मानना था कि क्या वो विकलांग है और क्या इसी वजह से उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जा रहा। ऐसा कहा जाता है कि सरकार के इस रूखे रवैये के बाद उन्होंने अपने सारे मेडल, सारे सर्टिफिकेट्स को एक गट्ठर बनाकर हमेशा के लिए छुपा दिया। इसके बाद मुरलीकांत सब कुछ भूल गए और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। मगर साल 2018 में उनके पास एक कॉल आया और उन्हें बताया गया कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वो मोमेंट उनके लिए गर्व का मोमेंट था, खुशी का मोमेंट था। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतने सालों के बाद जो है उनको जिस चीज़ के वो हकदार थे, जिस चीज़ के लिए वो तरस रहे थे, वो उन्हें मिल जाएगी और उन्हें सम्मानित भी किया गया। मोमेंट बहुत ही ज़्यादा प्राउड था। ऐसे में अब जो है मुरलीकांत पेटकर 79 साल के हैं और अपने परिवार के साथ पुणे में रहते हैं। ये कहानी है लेजेंडरी पैरालंपिक प्लेयर और इंडियन आर्मी में रह चुके मुरलीकांत पेटकर की, जिसे कार्तिक आर्यन जो है अब चंदू चैंपियन के जरिए हम सब के सामने पेश करेंगे। ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। कबीर खान इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वाकई में कमाल का है। कार्तिक बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद हम पर्दे पर ऐसा महसूस कर पाएंगे कि वो मुरलीकांत पेटकर से ही हमें रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर में ही ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने अंदर मुरलीकांत पेटकर को इतने अच्छे से घोल लिया है। शायद बड़े पर्दे पर हम मुरलीकांत पेटकर को ही देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको ट्रेलर कैसा लगा और मुरलीकांत पेटकर की कहानी कितनी इंस्पायरिंग लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें।